हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड की। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्रेडिट कार्ड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड एक एटीएम के जैसा दिखने वाला सेम कार्ड होता है और उसमें आपको कुछ लिमिट दिया होता है पैसे का, जिसको आपको यूज करने के बाद में पेमेंट करना होता है। अगर मान लीजिए आपके पास एटीएम यानी डेबिट कार्ड है, तो आपके बैंक में जितना पैसा है वहीं उसमें शो करता है, उतना ही आप यूज कर सकते हो। और क्रेडिट कार्ड में सेम इसका उल्टा होता है, उसमें क्या होता है आपका खुद का पैसा एक रुपये भी नहीं रहता, बैंक के तरफ से आपको कुछ लिमिट दिया हुआ जाता है जितना आप यूज कर सकते हो। मान लीजिए आपकी लिमिट 10,000 से लेकर 10 लाख के बीच में भी हो सकती है, तो आपको उसमें से जो भी सामान लेना है, कहीं पर भी शॉपिंग कुछ करना है, तो आप उसमें उससे यूज कर सकते हो। यूज करने के बाद आपको 50 दिन का टाइम मिलता है, तो आप जितना भी यूज करते हो आपको वहाँ पे करना होता है 50 दिन के अंदर। इसकी जो साइकिल होती है, अभी मान लीजिए 1 तारीख है, तो 1 तारीख से 30 तारीख तक जो आप यूज करते हो, फिर आपको 20 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है आपको, यानी कि 20 तारीख के पहले आपको पे करना होता है। अगर मान लीजिए आप पे नहीं कर पाते, आपके पास उतना कैश अवेलेबल नहीं है, तो आप डायरेक्टली कस्टमर केयर से बात करके उसको EMI पे कन्वर्ट करा सकते हो। अगर आपको EMI पे कन्वर्ट कराना है, तो आपके पास 2 ऑप्शन होता है, या तो आप अपने नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, और सेकेंड ऑप्शन होता है कार्ड के पीछे आपके एक कस्टमर केयर का नंबर दिया होता है, तो उस पर भी कॉल करके आप डायरेक्टली उनसे बात करके बोल सकते हो कि जो मेरा कैश है उसको आप EMI पे कन्वर्ट कर दो, अभी मेरे पास उतना नहीं, मैं आराम से रीपेमेंट करूँगा, तो वो लोग EMI पे कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसमें देखिए, अगर बहुत लोगों के मन में आता है पहली बार जो लेना चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए नहीं, तो उन लोगों को बता देना चाहता हूँ मैं कि क्रेडिट कार्ड अच्छा चीज़ भी है, बुरा चीज़ भी। अच्छा चीज़ है, अगर आप कहीं पे शॉपिंग करते हो ऑनलाइन, आपने अक्सर फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, हर जगह पे देखा होगा कि आपको 10% 15% तक डिस्काउंट मिलता है हर बैंक के क्रेडिट कार्ड से। बट यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर आपने यूज किया जितना भी, मान लीजिए आपको डिस्काउंट मिलता है, अगर आप यूज करते हो प्रॉपर, तो आपके लिए अच्छा है, और टाइम पे पेमेंट करो तो आपके लिए बेहतर है। अगर वहीं पे आप क्रेडिट कार्ड लेके और शॉपिंग कर दिया और आप रिपेमेंट नहीं कर रहे हो, तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है आपको चार्जेस थोड़ा हाई होता है। जैसा कि आप कहीं पे लोन लेते हो तो उसमें जो चार्जेस होता है वो थोड़ा कम रहता है, और क्रेडिट कार्ड में क्या होता है आपको चार्जेस बहुत हाई है। तो ऐसे में अगर आपके पास पैसा है, आप क्रेडिट कार्ड रख सकते हो, आपको लगता है कि आप भर दोगे टाइम पे, तभी आप क्रेडिट कार्ड लेना। और अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको क्रेडिट कार्ड लेना है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो इसकी एलिजिबिलिटी है, आप 18+ होने चाहिए, और आप कहीं पर जॉब करते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है क्रेडिट कार्ड उन्हीं को मिलता है जो जॉब करते हैं, को भी उनकी सैलरी अच्छी खासी होनी चाहिए, कम सैलरी पे कोई भी बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देती। अगर आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है तो वहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है आपका सिविल स्कोर जनरेट हुआ रहता है, या फिर आपने कभी लोन लिया है तो आपका सिविल स्कोर जनरेट हो जाता है। आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है, इसके लिए आपको लोन मतलब क्रेडिट कार्ड तुरंत मिल जाता है। अगर मान लीजिए फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, तो आपका जो सैलरी है वो 20+ होना चाहिए। अगर आपका सैलरी 20+ है, तभी आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है बैंक के तरफ से। और इसमें एक ऑप्शन और है, अगर आपका जिस बैंक में सैलरी क्रेडिट होता है वो लोग थोड़े कम सैलरी पे दे देते हैं, यानी कि आपको 15+ सैलरी भी है तो भी वहाँ से आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। बट उसमें कंडीशन क्या होता है, आपका लिमिट बहुत कम आता है, यानी कि अगर आपका 10,000 से 20-25,000 तक आएगा, इससे ज़्यादा आपको लिमिट नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप दूसरे बैंक के में अप्लाई करते हैं, यानी जिसके में आपका सैलरी अकाउंट नहीं है, तो वहाँ पे आपको लिमिट थोड़ा ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर आपको कहीं से नहीं मिला, अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, तो जहाँ पे आपका सैलरी अकाउंट है वहीं से अप्लाई करें, वहाँ से क्या होता है आपको तुरंत मिल जाता है। तो ये होती है क्रेडिट कार्ड की कुछ ज़रूरतें, मतलब क्रेडिट कार्ड की ज़रूरतें, मतलब कहाँ का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते सकते हो। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई मतलब यूज करते हैं, तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर आपको 10-15% तक का कैशबैक मिल जाता है, तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप 10,000 का सामान खरीद रहे हो, तो वहाँ पे आपका 1,000 से 1,500 रुपये सेविंग हो जाता है। और ऑफलाइन में भी करते हो तो आपको वहाँ भी क्रेडिट कार्ड से थोड़ा डिस्काउंट रहता है, ऐसा नहीं है आपको क्रेडिट कार्ड से डिस्काउंट नहीं, वहाँ भी आपको डिस्काउंट रहता ही। और डेबिट कार्ड में क्या होता है, आपका खुद का पैसा जितना यूज करोगे उतना ही रहता है, उसमें आपको कुछ सेविंग नहीं होता,
और क्रेडिट कार्ड में बैक कैशबैक यानी डिस्काउंट के अलावा एक और ऑफर रहता है, उसमें आपको रिवर्स पॉइंट मिलते हैं। रिवर्स पॉइंट क्या होते हैं, आप उसको रिवर्स पॉइंट जो आपको मतलब 100 रुपये यूज करने पे 10 रिवर्स पॉइंट, किसी में 5 रिवर्स पॉइंट ऐसा मिलता है। तो आपके पास जितने भी रिवर्स पॉइंट जमा होते हैं वो आप उसको बाद में कैश में रिडीम करा सकते हो, या फिर उसका कोई ऑनलाइन अमेजॉन फ्लिपकार्ट को वाउचर आपको कंपनी की तरफ से मिलता है जिस कंपनी का आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो। तो ऐसे में अगर आपको लेना है तो आपकी अगर सैलरी अभी 15,000 के ऊपर है तो आप आराम से क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। अगर आप चाहते हो लेना तो आपको लिए मैं बताना चाहता हूँ कहाँ से अप्लाई कर सकते हो। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे आपका सैलरी अकाउंट है, फिर डायरेक्टली आप बैंक में जाके वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस तरह की जानकारी की वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।